आप लोग फील्ड में काम कर रहे हैं लेकिन मनोज काका जी को लग रहा है कि उनके सूत्र ज्यादा पुख्ता हैं। ये मनोज काका की बात को मैं क्या कहूँ, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये तय है कि यहाँ पर कन्नौज में जो भी हैं वो भी, उनका कहना है, अभी हमने बात कराई जो प्रतिष्ठित यहाँ के व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, विपिन दीक्षित जी से, और सर के बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि उनका कोई पॉलिटिकल लेना देना नहीं था। बहुत सारे जो लेकिन विवेक उनको तो ये भी नहीं पता है ना कि इतना पैसा था उनके दोस्त के पास, होने के नाते तो उनका आना जाना भी नहीं था। जी बिल्कुल, इसने लता ये पैसे की जानकारी नहीं थी, लेकिन वो एक जैसे इत्र कारोबारी होते हैं या जिस तरह के जो केमिकल बनाते हैं, जो कंपाउंड तैयार करते हैं गुटखा कारोबारियों के लिए, वो उनकी गिनती बड़े लोगों में होती है, उनकी रईसों में गिनती होती है, तो रईस तो पीयूष जैन थे ही, उनका पुश्तैनी कारोबार भी इसका इसी तरह का था, तो वो रईस थे, लेकिन इतने बड़े रईस होंगे कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाएंगे, पूरे विदेशों में चर्चा का विषय बन जाएंगे, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। और चूंकि इतना बड़ा मामला आया है, ये चुनाव का माहौल है, चुनावी दौर चल रहा है, तो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के लोग एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के सूत्र बता रहे हैं कि वो उस पार्टी से जुड़ा हुआ था, लेकिन कानपुर में तो अब पेशी 4 बजे हो जाएगी, कुछ क्लैरिटी की उम्मीद करें क्या रतीश? कुछ तो जानकारी मिले कि ये जो मनोज जी हमारे साथ बैठ के कह रहे हैं कि उनके सूत्र पुख्ता जानकारी दे रहे हैं कि भाई वो बीजेपी से जुड़े रहे हैं। बिल्कुल, देखिए DGGI के अधिकारी जो हैं वो जल्द से जल्द अपने काम को पूरा कर लेना चाहते हैं, यानी 4 बजे के बाद जब मजिस्ट्रेट सामने हो तो उनके सामने दलील लग करके रिमांड पर लेना चाहेंगे पीयूष जैन को, क्योंकि उन्हें और ज़्यादा जो अकूत संपत्ति अर्जित की गई है उसके बारे में तमाम सवाल हैं, अनसुलझे सवाल हैं जिनके उनको जवाब चाहिए, लेकिन सियासत अपनी जगह से है। था जिस दिन ये मामला सामने आया था उसी दिन ये बात सामने लाई गई थी और इसको प्रोपोगेट किया गया कि ये समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए कारोबारी हैं, और इसको इस बात को ये भी कहा गया कि कुछ दिन पहले जब समाजवादी इत्र लॉन्च किया गया था अखिलेश यादव की मौजूदगी में मुख्यालय में लखनऊ में, और तब ये वहां पर मौजूद थे और इन्होंने ही लॉन्च कराया। फिर एक तमाम पंपी जैन करके एक MLC हैं समाजवादी पार्टी के, कन्नौज के बड़े इत्र कारोबारी हैं, उनका भी नाम एसोसिएट किया गया, जोड़ा गया, तो तमाम राजनीति उसी दिन से शुरू हो गई थी। आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं, आज जिस तरीके से मनोज काका यहां पर बयान दे रहे हैं, तो तमाम राजनीति तो शुरू ही हो चुकी है, क्योंकि चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में पर्सनल गेन और लाभ और हानि की राजनीति होती है। लेकिन जो अधिकारी हैं GST के जो अधिकारी हैं वो इस वक्त उनसे पूछताछ कर रहे हैं। सर्वोदय नगर कानपुर में जो ऑफिस है CGST का, वहां पर उनको ले जाया गया है, और उसके बाद जैसे ही बिल्कुल रतीश अब इस इत्र से खुशबू किसकी आ रही है ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन तमाम सियासी पार्टियां जरूर ये खोजने में लगी हैं कि